स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर नंबर 5 है, इसका टॉपिक जो फर्स्ट टॉपिक है वो है 5.1 एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आप लोगों ने लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो है रेक्टिलिनियर मोशन के अंदर पढ़ा हुआ है। रेक्टिलिनियर मोशन हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन के अंदर मोशन होती है, उसका आपने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा हुआ है, डिस्टेंस के बारे में पढ़ा हुआ है। जबकि वो बॉडीज जो सर्कुलर पाथ में मूव करती हैं, जब सर्कुलर मोशन रखती हैं, तो उनका जो है डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। उसे हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि कोई भी बॉडी जो है हमारे पास, जो फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी है, वो मूव करती है सर्कुलर पाथ के अंदर, उसे हम पीक्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वो मूव करती हुई जो है वो विद रिस्पेक्ट टू द एक्सिस, वो कोई ना कोई एंगल सबटेंड करेगी एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। वो एंगल हम कंसिडर कर लेते हैं जी कि वो हमारे पास डेल्टा थीटा है। तो डेल्टा थीटा जो है ड्यूरिंग द मोशन जो है वो एंगल जो है सबटेंड करेगी इन इंटरवल ऑफ द ड्यूरिंग द टाइम डेल्टा टी। डेल्टा टी के अंदर जो है वो जो एंगल जो है सबटेंड करेगी, उसको हम नाम देंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। उसे हम कुछ इस तरह डिफाइन करते हैं, एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कल सबटेंड्स एन एंगल डेल्टा थीटा डिफाइन्स द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग द इंटरवल ऑफ द टाइम डेल्टा टी। तो ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द पॉइंट पी जो है उसका जो ओपी पाथ होगा, जो कि किसी भी एक्सिस के ऊपर जो है 3D प्लेन के अंदर जो है वो जो एंगल सबटेंड करेगा हमारे पास डेल्टा टी जो है, डेल्टा थीटा जो है इन ड्यूरिंग द इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा टी जो है वो हमारे पास, वो डेल्टा थीटा जो है, या आप सिंपल थीटा भी कह सकते हैं, वो हमारे पास होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, जो कि वो बॉडी जो है सबटेंड करेगी एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास, लेट अस कंसिडर, हमारे पास एक पॉइंट है, पॉइंट पी जो है वो अटैच है एक वेटलेस जो है, वेरी वेरी स्मॉल वेट ऑफ द रॉड उसके साथ अटैच है, जिसका लेंथ जो है वो आर है, और वो जो है सेंटर ऑफ द सर्कल जो है उसके साथ अटैच है। अब ये जो रॉड जो है, इसने जब मूव करना है सर्कल के अंदर, इसने रोटेट करना है इन सर्कुलर पाथ, तो ड्यूरिंग द रोटेशन जो है इसकी पोजिशन जो है चेंज होनी है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर दूसरी डायग्राम के अंदर देखें, ये मेरे पास पॉइंट पी है, इसे अटैच किया गया है एक वेटलेस रॉड के साथ, द वेट जो है वेरी निग्लिजिबल है। ये जो रॉड जो है इसकी लेंथ जो है वो आर ली गई है, और ये पिवट पॉइंट ओ के साथ जो अटैच है, विच इज द सेंटर ऑफ सर्कल। इस पॉइंट पी ने जब रोटेट करना है इन सर्कुलर पाथ, इस रॉड ने भी क्या करना है, रोटेट करना है। अब हम सिस्टम ऑफ एक्सिस ले लेते हैं, ये मेरे पास जो है वाई एक्सिस कंसिडर कर लें, ये एक्स एक्सिस है, और ये मेरे पास क्या है, जी एक्सिस है। तो रोटेशन ऑफ द जो रॉड है वो अबाउट द जी एक्सिस है, जो कि अटैच है टू द पिवट पॉइंट, जो नॉर्मली टू द जी एक्सिस जो है वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, या कह लें अराउंड द जी एक्सिस वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है वो रॉड, जिसका जिसके साथ अटैच एक पार्टिकल पी जो है। अब इसकी रोटेशन को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, तो ये पार्टिकल जो है पहले जो है पोजिशन जो था ओ पी वन के ऊपर था, एट टाइम टी हम देखते हैं किसी भी टाइम के ऊपर कि ये जो पॉइंट पार्टिकल जो है पी वन जो है, ये हमारे पास एट टाइम टी जो है इसकी पोजिशन क्या है, ओ पी वन है, और वो एंगल जो सबटेंड कर रहा है वो एट द सेंटर ऑफ सर्कल, वो हमारे पास क्या है, थीटा है। आफ्टर टाइम टी प्लस डेल्टा टी, यानी कि आफ्टर पासिंग सम टाइम डेल्टा टी, तो टोटल टाइम हमारे पास हो जाएगा टी प्लस डेल्टा टी। इसकी पोजीशन जो पहले ओपी वन पे थी वो आ जाती है ओपी टू पे, और थीटा जो है वो चेंज होकर डेल्टा थीटा प्लस थीटा, यानी कि थीटा प्लस डेल्टा थीटा हो जाता है। तो ये टोटल एंगल हो जाता है हमारे पास, पहले इस पोजीशन पे ओपी वन पे आज थीटा था टाइम टी के अंदर, फिर इस पोजीशन से ओपी टू पे आ गया है, तो इसका जो एंगल जो है इन ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल डेल्टा टी प्लस टी या टी प्लस डेल्टा टी, हमारे पास जो उसकी पोजीशन ओपी टू होगी, और उसका जो एंगल है वो थीटा प्लस डेल्टा थीटा हो गया, जो कि इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो इसको अगर हम समराइज करें, तो ये हमारे पास जो है क्या डिफाइन करता है, ये क्या एक्सप्लेन करता है, ये एक्सप्लेन करता है हमारे पास चेंज इन द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को। जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज आया है, पहले हमारे पास थीटा था, फिर हमारे पास डेल्टा थीटा हो गया, तो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है हमारे पास थीटा प्लस डेल्टा थीटा हो गया ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल
टी प्लस डेल्टा टी। तो अगर हम इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं कि ये जो पार्टिकल जो है इसने मूव करना है अराउंड सम एक्सिस, तो एक्सिस को अगर हम लेते हैं तो इसकी डायरेक्शन जो है हम लेते हैं राउंड अबाउट द थर्ड एक्सिस, जो कि हमारे पास नॉर्मली टू द पिवट पॉइंट होता है, यहाँ पे हमने इसे जी एक्सिस का नाम दिया है। इसकी डायरेक्शन को जो है डिस्प्लेसमेंट जो है हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसकी डायरेक्शन को मालूम करने के लिए हम राइट हैंड यूज करते हैं। राइट हैंड रूल से जो है हम इसकी डायरेक्शन मालूम कर सकते हैं कि आपने जिस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मालूम करना है, उसकी डायरेक्शन को मालूम करना है, आप देखें कि वो जो है बॉडी जो है जिस एक्सेस के राउंड जो है वो राउंड अबाउट जो है वो सर्कुलेट कर रही है, उस एक्सेस को लेट्स से हम कहते हैं कि वो जी एक्सेस है। जैसा कि इस फिगर के अंदर भी दिखाया गया है कि ये पॉइंट जो है ये सर्कुलेट करेगा प्लेन एक्स वाई प्लेन के अंदर अबाउट द जी एक्सिस। तो इस जी एक्सिस के अबाउट जो है हम इसकी डायरेक्शन मालूम करते हैं बाई यूजिंग द राइट हैंड रूल। करना क्या है, ग्रेस्प द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन राइट हैंड विद फिंगर्स कर्लिंग इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, द थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जी आपके पास ये फॉर एग्जाम्पल ये प्लेन है, इसके अंदर जो है पार्टिकल जो है वो क्या कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है। तो इसके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है अगर हम मालूम करना चाहते हैं तो हमने क्या करना है, अपने उस एक्सेस को जिसके राउंड अबाउट जो है ये सर्कुलेट कर रहा है, हमें उसे इस तरह ग्रेस्प करना है कि आपकी जो कर्लिंग फिंगर्स हैं उसी डायरेक्शन में हो, उसी डायरेक्शन में हो जिस डायरेक्शन के अंदर वो पार्टिकल जो है सर्कुलेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है। वो रॉड जिसे हम रॉड की बात कर लें, या उस पार्टिकल वो सर्कुलेट कर रहा है जिस डायरेक्शन के अंदर, उसी डायरेक्शन के अंदर हमने अपनी फिंगर्स को उस रॉड को या उस एक्सेस को हमने क्या करना है, ग्रेस्प कर लेना है टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, हमारा जो थंब जो है ये वाला, ये उस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की मोशन को डिफाइन करेगा, उस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन ऑफ द मोशन होगी, उसको डिफाइन करेगा कि वो हमारा जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो किस तरफ आएगा। अगर हम इसको ग्रेस्प करते हैं लाइक दिस, ये मेरा हैंड है, इसको ग्रेस्प किया, तो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स हमने उस तरफ रखनी है जिस तरफ मोशन ऑफ द पार्टिकल है। अगर वो इस तरफ आ रही है तो हमने इस तरह, तब हमारे पास जो है जब वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जो है वो सर्कुलेट कर रहा है अराउंड द एक्सिस, तो हमारे पास जो है उसकी जो डायरेक्शन होगी वो टूवर्ड्स द पॉजिटिव जी एक्सिस होगी। अगर वो हमारे पास क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो इसको मैं जो है इस तरह अपने राइट हैंड से इसको ग्रेस्प करूंगा इस एक्सिस को, तो मेरा थंब जो है वो पॉइंट आउट करेगा डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो कि टूवर्ड्स द नेगेटिव एक्सिस होगी। तो अब हम ये कहेंगे कि हमारे पास जो थीटा है वो पॉजिटिव कब होगा, जब हमारे पास वो क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज जो है मूव करेगा। और जबकि हमारे पास थीटा की वैल्यू नेगेटिव कब आएगी, जब वो क्लॉकवाइज जो है, जब उसकी मोशन ऑफ द डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी, तो अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल उसकी जो साइन आएगी वो हम लेंगे नेगेटिव लेंगे, जो डाउनवर्ड द जी एक्सिस होगी या थर्ड एक्सिस जिसके राउंड अबाउट जो है वो सर्कुलेट कर रहा है। तो इस तरह हम राइट हैंड रूल यूज करके उसकी डायरेक्शन ऑफ द मोशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वो हम मालूम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अब हम करने लगे हैं अपने फर्स्ट टॉपिक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के यूनिट्स के बारे में। जैसे कि हमारे पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है, लीनियर डिस्टेंस होता है, उनका हम यूनिट जो है मीटर लेते हैं, सेंटीमीटर लेते हैं, डेसीमीटर लेते हैं, जबकि ऐसे यूनिट हमारे पास मीटर होता है। इसी तरह ऐसे यूनिट जो है हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करें तो ये हमारे पास ऐसे यूनिट नहीं होते बल्कि ये हमारे पास ड्राइव यूनिट्स होते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के। वो हम थ्री ड्राइव यूनिट्स जो है निकालने लगे हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के। हमारे पास पहला एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट है वो है डिग्री, दूसरा हमारे पास रेवोल्यूशन है, जबकि तीसरा हमारे पास जो है वो रेडियन आता है। इन दो के बारे में आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी पढ़ना है, डिग्री रेडियन और रेवोल्यूशन के बारे में आप लोग पहले भी नाइन्थ क्लास में पढ़ चुके हैं, यहां भी हम डिस्कस करेंगे। डिग्री क्या है, हमारे पास एक जो कंप्लीट राउंड ट्रिप होता है किसी भी पार्टिकल का इन सर्कुलर पाथ, वो हम डिसॉल्व करते हैं पूरे सर्कल को 360 डिग्रीज के अंदर, जबकि इसका एक यूनिट अगर हम ले लें इस सर्कुलर पाथ के अंदर वो हमारे पास 1 डिग्री बनता है। तो इस तरह जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है हमारे पास होता है डिग्री पर सेकंड, यानी कि हमारे पास कंप्लीट सर्कल जो है वो 360 डिग्री का होता है। अगर हम इसका हम एक यूनिट जो है यहां पे एक स्मॉलेस्ट यूनिट ले लें इस 360 डिग्री का, तो हमारे पास 1 डिग्री बनता है।
इस तरह हमारे पास जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है उसका यूनिट आ जाता है डिग्री पर सेकंड। दूसरा यूनिट हमारे पास रेवोल्यूशन है। रेवोल्यूशन यानी हमारे पास जब पार्टिकल जो है सर्कुलेट करेगा एक सर्कुलर पाथ के अंदर, तो जब वो अपने कंप्लीट राउंड ट्रिप करेगा जिस पॉइंट से उसने स्टार्ट किया उसी पॉइंट पे आगे वो फिनिश करता है, तो एक कंप्लीट सर्कुलर पाथ के राउंड से कंप्लीट राउंड ट्रिप बनता है, वो हमारे पास एक कंप्लीट राउंड ट्रिप कहलाता है वन रेवोल्यूशन। तो इस तरह जो है हम जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसका यूनिट हम लेते हैं रेवोल्यूशन पर सेकंड। तीसरा यूनिट हमारे पास जो है रेडियन है, इसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि हमारे पास कोई भी पार्टिकल जो था वो पहले पॉइंट पी पे था, इस पी पॉइंट के ऊपर जो था टाइम जीरो के ऊपर हमारे पास जब टाइम इंटरवल हमारे पास जीरो था, आफ्टर टाइम टी हमारे पास जो है वो पार्टिकल जो है वो पोजिशन ओ पी वन पे आ जाता है बाय मेकिंग बाय सबटेंडिंग एन एंगल थीटा एट द सेंटर ऑफ सर्कल। तो वो जो अलोंग द सर्कमफेरेंस है, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर पाथ ऑफ अ सर्कल, वो सर्कमफेरेंस की जो एक आर्क लेंथ जो है हमारे पास वो बनाता है फ्रॉम पॉइंट पी टू पी वन, उसे हम नाम लेते हैं एस का। ये हमारे पास लीनियर डिस्टेंस की तरह ही होती है जो आर्क लेंथ होती है, ये आर्क लेंथ और ये हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कल है, जबकि ये एंगल जो है एट द सेंटर ऑफ द सर्कल थीटा है। इस रिलेशन को हम कुछ इस तरह लिखते हैं कि अगर हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का अगर हमने यूनिट निकालना है तो हमारे पास थीटा इक्वल होगा आर्क लेंथ ऑफ रेडियस इनटू रेडियन, उसका यूनिट आएगा साथ। तो आर्क लेंथ हमने यहाँ पे एस डिफाइन की है, वो आर्क लेंथ एस आ जाएगी, रेडियस हमारे पास आर है वो हम लिख देंगे। तो इस तरह हमारे पास थीटा जो कि एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसका यूनिट हमारे पास क्या आ जाएगा एस ओवर आर, यानी कि आर्क लेंथ और रेडियस का रेशियो जो हमारे पास रेडियन के इक्वल होता है। अगर यहां से हम लीनियर डिस्टेंस जो है हमारे पास जो आर्क लेंथ है वो निकालना चाहे आर डिवाइड और उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा थीटा के साथ। यहां पे हमारे पास जो थीटा है वो रेडियन के अंदर है, जबकि एस हमारे पास जो है ये कंप्लीट सर्कमफेरेंस की लेंथ है, ये हमारे पास सर्कुलर पाथ जो है उसकी लेंथ है जो हमारे पास टू पाई आर के इक्वल होता है। अगर हम यहाँ पे थीटा दोबारा डिफाइन करें जो है थीटा एस ओवर आर, यहां अगर हम एस की वैल्यू पुट कर दे जो टू पाई आर है, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, जबकि थीटा हमारे पास आ जाएगा टू पाई रेडियन। तो इस तरह हमारे पास थीटा की वैल्यू हो जाती है टू पाई रेडियन। अब हमें पता है कि टोटल रेवोल्यूशन जो है वन रेवोल्यूशन हमारे पास जैसे कि डिग्री की फॉर्म में हमने ली थी वो हमारे पास आती है 360 डिग्री के ऊपर, तो एक टू पाई रेडियन इक्वल आ जाता है 360 रेडियन 360 डिग्री के इक्वल। अगर यहां से हमने 1 रेडियन निकालना है तो 2 पाई यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है रेडियन के साथ, उधर जाके 360 के नीचे डिवाइड हो जाएगा। जब ये डिवाइड हो जाएगा यहां 2 वन्स आर 2 एंड 2 18s आर 36, तो ये हमारे पास आ जाता है 180 डिग्री ओवर पाई। जबकि इसको जब हम सॉल्व करते हैं 180 डिग्री ओवर पाई को कैलकुलेटर के ऊपर हमारे पास आता है 57.3 डिग्री। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि 1 रेडियन हमारे पास इक्वल आ जाएगा 57.3 डिग्री के। ये एमसीक्यू भी आ जाता है कि 1 डिग्री 1 रेडियन जो है किसके इक्वल होता है, तो आप लोगों ने याद रखना है 57.3 डिग्री के। तो ये हमारे पास जो है थर्ड यूनिट है ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट।